नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम सिवान के हृदय स्थली गांधी मैदान में है और यहां पे कुछ ही समय में अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सर, जेपी नड्डा सर का यहां पे कार्यक्रम है और वो यहां पे सभा को संबोधित करेंगे। तो आइए, उससे पहले हम यहाँ के कुछ लोगों से, जो लोग इस सभा को सुनने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या है सिवान विधानसभा में माहौल। अभी कुछ ही समय में यहाँ पर जेपी नड्डा सर का कार्यक्रम है, आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, क्या क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड ठीक है, इस बार वोट भाजपा को पड़ेगा है? भाजपा को पड़ेगा, नहीं बता सकता। इस बार जनता का क्या मूड है? मतलब ध्यान दे, पंडाल के पश्चिम साइड में जिस भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुने? सभी मित्रों से आग्रह है, कृपया कर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। पंडाल घेरा के बाहर ही अपना मोटरसाइकिल को रखें। घेरा के अंदर किसी का मोटरसाइकिल बाइक नहीं रहेगा। सभी से आग्रह है कि आप बहुत से चुनाव को देखे होंगे, जो पिछले कई चुनाव हैं और ये जो चुनाव है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में पहले के चुनाव में आदमी कुछ बिखरे हुए थे, अभी एकजुट में सब हो गए हैं। क्या कारण है कि एकजुट हो गए हैं? मोदी जी का देन है, मोदी जी जो किए हैं उसको लेकर के नर नारी जितने लड़के नौजवान सभी लोग एकजुट हो गए। लेकिन रोजगार तो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो तो घर बैठे भी खाते में लोगों को पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। किसी कोई नहीं कह सकता कि पैसा नहीं आ रहा, सबका पैसा आ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन इस पर तो बहुत बहस छिड़ी हुई है कि मोदी जी के समय में पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से रोजगार नहीं आ रहा है, पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं सृजित किया है। तो ये विपक्षों का देन है, विपक्षों को कहने का दूसरा कोई मकसद नहीं है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है उन लोगों को कहने के लिए। सभी लोग कृपया पंडाल में स्थान ग्रहण करें। सिवान विधानसभा में सभी मित्रों से आग्रह है, पूरा हम लोग 99 पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। 100 का ऊपर है, क्योंकि इनके मुकाबले तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, 5 बार सिवान के वो विधायक रहे हैं, वो इस बार खड़े हैं। होने से भी कोई बात नहीं है, 5 बार और 10 बार जीत के आए हैं तो क्या है, लेकिन इस बार जदूर जीतेंगे तो ओम प्रकाश यादव जीतेंगे। हमारे साथ नंद प्रसाद चौहान जी हैं। चौहान जी, चाल है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड एकदम वन साइडेड है एनडीए की तरफ, बीजेपी यहाँ से बंपर हो चुकी है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या ओम प्रकाश जी को लेके कोई पार्टी में विरोध है, गतिरोध है? कोई विरोध नहीं है और पूरे पार्टी, पूरे कार्यकर्ताओं का यहाँ एक उम्मीदवार है जो ओम प्रकाश यादव जी, और बम्पर वोट से 3 तारीख के बाद देखने कोई नहीं रहेगा। अभी ओम प्रकाश यादव जी का चुनावी चल रहा है, एनडीए का चुनावी है, सब दहके खत्म हो गए। अच्छा, इनके मुकाबले जो राजद के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो 5 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, इनको चप्पा चप्पा अच्छी तरह वाकई पंडाल के घेरा के अंदर नहीं मिलेगी, किसी भी तरह का कोई गाड़ी नहीं खड़ा रहेगा। प्रतिनिधि भंडार के पूरा और पश्चिम घेरा के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी रहेगी। तीन बार लगातार सभी से आग्रह है कि घेरा से बाहर अपनी गाड़ी को खड़ा करें। हमारे प्रत्याशी के सामने है तो फिर चौथी बार कहां से उम्मीद लगा बैठे हैं? वो हर चुनाव तो लड़बे करते हैं, हर चुनाव हारते ही हैं, जीतने का जमाना खत्म हो गया, 2005 से तो हारते ही आ रहे हैं। चौहान जी, आप संगठन के व्यक्ति हैं और कहा जा रहा है कि जो आपके कैंडिडेट हैं और वो उनको नीचे गिराया गया, यानी कि उनको सांसद से विधायक बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए, यह सब हम लोग जिस दल में रहते हैं, दल के हम सभी कार्यकर्ता हैं, दल जो जिम्मेवारी देता है
उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। दल जो जिम्मेवारी देता है और जिम्मेवारी में कहीं बड़ा और छोटा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं देते, जो जिम्मेवारी देता है उसका निर्वहन करते हैं। हमको लग रहा है कि यह भाई ओम प्रकाश यादव का निर्णय नहीं है कि आपको विधायक बनना है, यह दल का निर्णय है। उस दल के निर्णय का सम्मान करते हुए एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विधायक का चुनाव लड़ रहा है, इसमें गिराने और नहीं गिराने का कहां ज्यादा बनता है। दल का निर्णय उसका सम्मान है और पूरे दिल से सम्मान है। दल देता तब वो ठीक है, नहीं देता तब वो ठीक है। आप देखे थे 2019 में या सांसद थे और लाइजनिंग में या सीट चला गया, दल कहा कि अभी नहीं लड़ेंगे, कहाँ ही कुछ नहीं लड़े। दल जो कहता है भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता उसको छोटा बड़ा देख करके नहीं, दल के निर्देश को देख करके उसका हम सम्मान करते हैं। संगठन की तरफ से अपने संगठन की तरफ से दो व्यासदेव प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद। व्यासदेव प्रसाद को तो आप लोगों ने मना लिया, देवेंद्र गुप्ता को आप लोगों ने क्यों नहीं मनाया? देवेंद्र गुप्ता अपने टिकट के सत्ता में आने के लिए टिकट के लिए नाराज थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनको जनता नकार दी है पूरी तरह से और उनको वोट मिलने जा नहीं रहा है। सैकड़ा में भी वोट मिल जाए तो बहुत ज्यादा है। एक बात बताइए, आपने उनसे संपर्क किया है? हाँ, क्या आप संगठन में रहिए? सब लोग सब अति है लेकिन वो नाराजगी अपना व्यक्त की है कि हमको टिकट मिला चाहिए। हम पार्टी जिसका जिसको निर्णय देगी वो ना लड़ेगा जी। ओम प्रकाश जी अपने वादे से थोड़े विधायक चल रहे हैं, तो सांसद रहे हैं, 10 साल जनता की सेवा किए हैं, पार्टी निर्णय की नहीं। आप विधानसभा लड़ी है तो जो पार्टी का आदेश है उसके आदेश पर ये चलते हैं। हमारे कार्यकर्ता सब सारे कार्यकर्ता चलते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का है, कुछ बोलिए आप। रोजगार को मुद्दा जो 10 साल पर मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा नहीं है रोजगार है जो प्राप्त कर रहा है। 15 साल मुद्दा मिला उन्होंने क्या किया? हमारी सरकार ने सबकी बहाली की, आशा की बहाली की, जीविका की बहाली की, जीविका समूह बनाकर रोजगार का सृजन किया जा रहा है। आप अपने जीत के प्रति कितना स्वस्थ? बिल्कुल एक सदस्य। अब तक तो आप पूरा विधानसभा घूम लिए होंगे, क्या है जनता का? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए गरीबों के कल्याण उस योजना का व्यापक असर किसी क्षेत्र में देखने को मिला है। हमारे जीत तक मैंने पूरे बिहार में और प्रत्याशी जीत हो गए। हमारी एन डी गठन बहुत अभी तो पहले परिचय। मेरा नाम शिवराज शाही, मैं नई बस्ती शिवान। क्या लगता है इस बार क्या है? मित्रों ध्यान दें, अभी कुछ भी नहीं कहा जा। बार बार मेरे आग्रह करने के बाद भी उम्मीद है अपना आप मोटरसाइकिल नहीं हटा पा रहे हैं। इलेक्शन भी 24 घंटे, मेरा आपसे निवेदन है क्लियर निदान सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए पंडाल घेरा के बाहर जहाँ भी घेरा लगा है उसमें किसी भी तरह के दो पहिया वाहन या चार पहिए वाहन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चिपराही गांव का रहने वाला हूँ, अधिकारी पंचायत का। आपके पंचायत में क्या माहौल है? कहा जाता है कि और आई हथिजाई सब में तो दूसरा माहौल। हम लोग एफपी यादव के साथ प्रकाश यादव लड़का के साथ में सारे पंचायत दूर के दूर उठे। मेरा नाम उमेश प्रसाद भारी जितना वोट है लड़ाई में और बिहारी चौधरी दिखाई देते हैं। और बिहारी चौधरी को 5 बार यहाँ के विधायक चप्पा चप्पा मार दिया। कुछ नहीं है, अभी लोग भागवाधारी हो गए, सब भाजपा भाजपा में हो गए। भाजपा तो लोगों को रोजगार वादा कर रही है उसको पूरा नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी के नाम से सारे लोग नरेंद्र मोदी गैस गरीबों को दिए हैं। इतने गरीब छोटे पा रहे थे कि हमारा घर में गैस होगा, दूसरा घर में गैस होगा।
उसके बाद एक कांग्रेस का राज था, उस समय गैस लाने के लिए लोग जाते थे 3 बजे रात को, जाते 11 बजे तक वापस आते थे गैस में। अभी नरेंद्र मोदी ऐसा सिस्टम कर दिया है कि दरवाजे पर गैस मिले। एक कोरोना काल में 3 महीना फ्री गैस मिला, उसके बाद में 8 महीना राशन मिला, उसके बाद में औरतों का जो 500 रुपया था वो, यदि कोई औरत का ना दो खाता है, दो खाते में 500 रुपया ठीक है, उसके बाद में राशन 8 महीना फ्री मिला। हम लोग भी बाहर रहते हैं 6 महीने से, जिस घर में बाहर आदमी है वहाँ के घर में है। अभी ये राशन का लोगों को ना, गरीब हो अमीर हो सारे को राशन कार्ड मिल रहा है, जिसका राशन मिल रहा है वो मोदी के नाम पर औरतें बोल रही है, हिंदू तो हिंदू मुस्लिम औरतें बोल रही है कि हम मोदी जी बचाए, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी के नाम से पूरा वोट 30-35 हज़ार वोटों से जीते हैं। और बताइए, हाँ जी, आप घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल पूछना ही नहीं है, पूरा माहौल एक तरफा माहौल है। एनडीए की जीत, 8 सीट पर एनडीए की जीत होगी, ये तो कन्फर्म है। यही बात तेजस्वी कर रहे हैं कि 8 सीट पर हम जीतेंगे, आप कैसे कर? तेजस्वी कहाँ से जीतेंगे? तेजस्वी क्या करेंगे ये बताइए ना, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे वो, उनका लड़का 9वीं फेल हो गया, वो क्या विकास की बात करेंगे? ये आप मान लीजिए रईस भैया कि 8 सीट पे एनडीए आ रही है तो आ रही है। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी के नेतृत्व में इसका टक्कर है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, आपका जिससे टक्कर है वो 5 बार यहाँ का विधायक रहा है। टक्कर कहाँ है, वो तो जमाना बहुत पहले की आप बात कर रहे हैं, वो उस वक्त की बात कर रहे हैं आप, जहाँ कि अब मान लीजिए कि वो बीता हुआ पल, वो जमाना गया। आप नगर के भाजपा के पदाधिकारी जी, देवेंद्र गुप्ता जी को क्यों नहीं मना पाए? देखिए वो भी हमारे यहाँ है, इसी कारण बस वो हमसे ये है, लेकिन दिन कोई नहीं है, दिन कोई नहीं है, सब एक साथ हैं, इस बात को अपना। क्या लग रहा है इस बार? इस बार एनडीए का यहाँ पे जीत है और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ कोई चक्कर में है, 80 और 20 की टक्कर चलेगा, 80 एनडीए रहेगा, 20% आरजेडी रहेगा, कोई सपोर्ट कर रहा है आरजेडी का? जंगल राज याद नहीं पड़ रहा है कि 2005 में जंगल राज खत्म हुआ, 95 से 2005 तक जो अत्याचार हुआ है वो याद लोग का नहीं है? कब तक पुराना बात लेकर घुनाते रहिएगा? पुराना बात नहीं है, आज भी वही बात है, आज भी देखिए कि कितना मैंने परसेंटेज में चुनाव होगा 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि हाँ एनडीए क्या है, क्या कैसे जीत अपना हासिल करता है, बोलता नहीं है लेकिन काम करों से और जैसे तैसे हुई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक आदमी 5 बार यहाँ का विधायक रहा है उससे आप टक्कर ले पाइएगा? 5 बार कौन विधायक रहा है, 3 बार मंत्री जी रहे हैं, मंत्री जी रहे 5 बार और बिहारी चौधरी यहाँ के विधायक रहे, 3 बार वो रहे, 3 बार ये रहे, आज कहाँ माने टक्कर वाली कहाँ बात है? टक्कर तो एकदम क्लियर है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और पक्का है जीत, यहाँ के टाउन से लेके हम 9 पंचायत के दावा करते हैं, हम लोग पूर्वी मंडल में हैं सिवान, 9 पंचायत में हम लोग एकदम जीत अपना दर्ज रखेंगे, एकदम बरकरार रखेंगे, पूरा भरोसा है? भरोसा नहीं, काम का भरोसा है, हम लोग काम करते हैं, जमीनी स्तर से काम करते हैं, ऊपर तक काम करते हैं। भाजपा में कोई, यहाँ देख लीजिए भाजपा में कोई अतिरिक्त पदाधिकारी नहीं है, सभी सिपाही हैं। अच्छा, देवेंद्र गुप्ता लड़ रहे हैं टेम्पू छाप से, वो डैमेज नहीं करेंगे आपको? वो कुछ डैमेज नहीं करेंगे, वो भी रास्ता पर आ जाएंगे, समय आने दीजिए, वो भी करीब आएगा, रास्ता पर आ जाएंगे।